मैं माने हर बार कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है, विजयपुर हम 100% जीतेंगे। ये जरूर है कि कई तरीके से संविधान को ताक पे रख के व्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता ने ही चुनाव में अपनी भूमिका निभा दी और बीजेपी के पक्ष में काम किया, वो चाहे कलेक्टर हो चाहे कर्मचारी हो। इसकी हमने समय समय पर शिकायत की, निर्वाचन आयोग ने संज्ञान में नहीं लिया, जिसकी हम निंदा करते हैं। अभी हमने रीपोलिंग की मांग की थी, उस पर भी निर्वाचन आयोग ने गलत तथ्य सामने लाए, उसकी भी हम निंदा करते हैं। दूसरा, अभी जब पोलिंग पर काउंटिंग होगी उसमें रामनिवास जी के रिश्तेदारों को बना दिया 40, उसकी भी हमने शिकायत की, उनको हटाना चाहिए। निर्वाचन आयोग से आग्रह है, ये लोकतंत्र को का नाश में आप सहयोगी मत बनो, लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं खुद 19 तारीख 20 तारीख के दिन निर्वाचन आयोग जाऊंगा और वो रामनिवास जी के साथ वाले लोग नहीं हटेंगे तो उसकी आपत्ति। मुख्यमंत्री समिट को लेकर लंदन भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी 68 बार रात के अंधेरे में ट्रांसफर किया है। अब अधिकारियों को लेके टूरिज्म पे जाना चाहते हैं तो उनकी इच्छा, पर 100 करोड़ रुपए हर दिन आप कर्जा लेते हो, इसका भार तो मध्य प्रदेश पे आता है। आप ये इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफर करते हैं, इसका भार भी मध्य प्रदेश पे आता है। आखिर आप कैसी आपकी प्रशासनिक दक्षता है, कैसी आर्थिक दक्षता है कि आप मध्य प्रदेश को गर्त में ले जा रहे हैं। अरे 68 बार ट्रांसफर 10 महीने में, इससे पहले भी तो बीजेपी की सरकार थी, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, इतने बड़ी तादाद में आपको ट्रांसफर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मतलब उन्होंने गलत नियुक्तियाँ की थी, इसका मतलब है आप गलत कर रहे हो, या ट्रांसफर उद्योग चला रहे हो, या वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल दलालों का अड्डा है। आखिर मध्य प्रदेश को बताना पड़ेगा ना कि ये माफियाओं की सरकार, में बार बार बोलता था प्रशासनिक माफिया इस प्रदेश में, एक बार फिर साबित हुआ कि 68 बार ट्रांसफर करना, ये 75% अधिकारी IPS IAS को का ट्रांसफर करना, बार बार एक ही अधिकारी का 5-5 बार 10 महीने में ट्रांसफर करना, ये क्या दक्षता है मोहन यादव जी की? इस प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? अमित शाह जी कह रहे हैं को कांग्रेस ने और संयुक्त दल के कांग्रेस के उन्होंने अंदर आने दिया और यही कारण आदिवासियों का हक छना है। शिव 10 साल से 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जहां वो ये कहते हैं कि यहाँ घुसपैठिए आ रहे हैं, केंद्र जो सीमा पर केंद्र से जुड़ी हुई सेना और RPS CRPF की तैनाती होती है, मतलब वो उन अमित शाह जी अपनी आक्रमण्यता को बता रहे हैं। आपको उनको शर्म नहीं आती 10 साल के शासन के बाद घुसपैठ की बात करते हुए? उनका ही दोष है, अपराधी वो खुद है, बीजेपी है, गृहमंत्री है। हमने 100 शिकायतें की चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान, जैसे हमने शिकायत की वैसा ही परिदृश्य चुनाव में बना, एक संज्ञान नहीं लिया गया। जो SP और कलेक्टर को हमने हटाने के लिए मैंने खुद ने चिट्ठी लिखी, उन दोनों ने BJP के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, ये सर्वविदित हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र को हमने पर्दाफाश करने के लिए एक एप्लीकेशन दी निर्वाचन आयोग को कि इन इन बूथों की रिकाउंटिंग होनी चाहिए, जिला स्तर पर भी थी और प्रदेश में भी थी। पर निर्वाचन आयोग ने एक परिपत्र जारी करके कहा कि हमें ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं मिली जिसकी हमारे पास रिसीव्ड है, ये कल हमने जारी भी की थी। तो मैं मानता हूँ निर्वाचन आयोग का ये रुख इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और अभी काउंटिंग में जो रामनिवास रावत है उनके विजयपुर में 40 के लगभग रिश्तेदारों को उन्होंने काउंटिंग में लगा दिया, आखिर ये क्या मैसेज है? क्या रिश्तेदार रामनिवास रावत के प्रत्याशी के काउंटिंग में बैठ सकते हैं? बिल्कुल निर्वाचन के रूल के हिसाब से नहीं बैठ सकते, इस देश के कानून के हिसाब से नहीं बैठ सकते। हमने आपत्ति ली है, निर्वाचन आयोग से आग्रह है कि आप तोता न बने, आप पिट्ठू न बने, आप कृपया करके नियम और कानून के संदर्भ पालना करें। हम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में भी आज अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे कल मंडे के दिन, और प्रदेश निर्वाचन आयोग में कल करा चुके हैं उन कर्मचारियों को जो रामनिवास रावत के रिश्तेदार हैं या उनसे रिलेटेड है, उनको हटाना चाहिए।